Hello and welcome to Learning with AJ Sir YouTube channel. Dear students, I'm your teacher Ajay Kumar Yadav, and today in this video lecture we are going to discuss the very first chapter of the Hornbill book, and the name of the chapter is The Portrait of a Lady. Yes, my dear students, The Portrait of a Lady. It is written by Khushwant Singh, and in this video lecture we are going to discuss this chapter. So now, without any delay, let us proceed the video. देखिए बच्चों, ये चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये लिखा है खुशवंत सिंह ने. खुशवंत सिंह, जिसकी फोटो आप देख सकते हैं, वो एक इंडियन ऑथर रहे हैं, लॉयर रहे हैं, डिप्लोमेट रहे हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं और पॉलिटिशियन भी रहे हैं. इन्होंने 1947 में इंडिया पाकिस्तान के बीच जो पार्टीशन हुआ था, इसकी फैमिली ने इनको एक्सपीरियंस भी किया था. इसी पार्टीशन से ही इंस्पायर होके खुशवंत सिंह ने 1956 में एक वेल नॉन नोवेल लिखी, जिसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान. बाद में इसी नोवेल को फिल्म में भी अडॉप्ट किया गया इन 1998. सबसे पहले टाइटल को समझ लेते हैं. यहां लिखा है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. देखिए बच्चों, पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक पिक्चर, या हम कह सकते हैं एक इमेज. लेकिन यहां पर एक प्रैक्टिकल फोटो की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसी प्रैक्टिकल एक फिजिकल फोटोग्राफ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक ऐसी इमेज की बात हो रही है जिसको वर्ड्स की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है. इसके अलावा यहाँ पर एक लेडी का भी जिक्र है. लेडी कौन है? तो ये इस चैप्टर के जो राइटर हैं खुशवंत सिंह, ये उनकी ग्रैंड मदर का यहाँ जिक्र किया गया है. यानी कि इस चैप्टर में एक वर्ड इमेज, क्या कहा मैंने, वर्ड इमेज प्रेजेंट की गई है खुशवंत सिंह के द्वारा अपनी ग्रैंड मदर के बारे में. यानी टाइटल से हमें पता चलता है कि यहां पे खुशवंत सिंह ने अपने ग्रैंड मदर की पोर्ट्रेट हमारे सामने प्रेजेंट की है. और पोर्ट्रेट से हमने समझ लिया मतलब कि पोर्ट्रेट का यहां मतलब क्या है, वर्ड इमेज, एक ऐसी इमेज क्रिएट करना जिसको वर्ड्स के थ्रू प्रेजेंट किया गया है. यानी कि यहां पर नरेटर अपनी ग्रैंड मदर की क्वालिटीज हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. और बढ़ते हैं इसकी थीम के बारे में, इसके ओवरलुक के बारे में. तो जैसा कि हमने टाइटल से अंदाज लगाया है कि इस चैप्टर के अंदर एक रिलेशनशिप को बेस बनाया गया है, और वो रिलेशनशिप किसके बीच है, तो वो रिलेशनशिप है ग्रैंड सन और ग्रैंड मदर के बारे में. यानी यहां पर ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन के बीच के उस रिलेशन को प्रेजेंट किया गया है. इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि किस तरीके से ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को अपना टाइम, अटेंशन और लव. देखिए दोबारा रिपीट करता हूं, टाइम, अटेंशन और लव उनको देते हैं, इस चीज का इस चैप्टर में जिक्र मिलता है. इसके अलावा ये चैप्टर ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट है. यानी यहां पे खुशवंत सिंह अपनी लाइफ के उस रियलिस्टिक अकाउंट को प्रेजेंट कर रहा है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से उसका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था अपनी ग्रैंड मदर के साथ, और कैसे ये टाइम के साथ साथ इसमें कुछ चेंजेस आते हैं. तो हम ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं टेक्सुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमन. मेरी दादी माँ हर एक इंसान की दादी मां की तरह ही एक बूढ़ी औरत थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नॉन हर.
वो पिछले 20 सालों से जितना मैं उनको जानता था एक बूढ़ी और रिंकल्ड महिला रही थी। पीपल सेड, लोग कहते थे दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। लोग कहते थे कि एक बार किसी समय में वो बहुत ही यंग और बहुत ही प्रिटी हुआ करती थी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनका एक पति भी हुआ करता था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। माय ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उसकी जो पोर्ट्रेट है वो हमारे ड्राइंग रूम के अंदर जो मेंटल पीस है ठीक इसके ऊपर वो लटकी हुई थी। मेंटल पीस का बच्चों यहां मतलब होता है एक सेल्फ जो कि फायर प्लेस के ऊपर हम लगाते हैं। He wore a big turban and loose fitting clothes. इस फोटो के अंदर मेरे जो ग्रैंडफादर हैं इन्होंने एक बहुत बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई है और इन्होंने जो कपड़े पहने हैं वो बहुत ही लूज फिटिंग के कपड़े हैं। His long white beard covered the best part of his chest. फोटो में मेरे ग्रैंडफादर की जो बियर्ड है जो कि वाइट है ये उनकी चेस्ट को सामने से कवर करती है, हाइड कर देती है, छुपा देती है। And he looked at least 100 years old. और इसी वजह से ही वो कम से कम 100 साल बूढ़े हमें लगते हैं। He did not look the sort of person who would have a wife. आप उसको जब भी देखेंगे तो आप ये बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकते कि मेरे ग्रैंडफादर ऐसे इंसान थे जिसकी कभी कोई वाइफ भी थी और चिल्ड्रन या उसके कभी बच्चे भी थे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. इसका मतलब है दैट द आइडिया वॉज डिस्गस्टिंग, यानी कि मेरी ग्रैंडमदर कभी यंग और प्रिटी हुआ करती थी ये जो आइडिया है, ये जो थॉट है, ये डिस्गस्टिंग था, यानी इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। मेरी ग्रैंडमदर अक्सर हम बच्चों को उन गेम्स के बारे में बताया करती थी जो गेम वो अपने बचपन में खेलती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part. जिन गेम्स के बारे में हमें वो बताती थी ये गेम हमारे लिए बड़े ही absurd थे और undignified थे। Absurd से यहां मतलब है awkward या यूं कहें odd या यूं कहें स्ट्रेंज। वो खेल हम सबके लिए बड़े अब्सर्ड और अनडिग्निफाइड थे। वी ट्रीटेड इट लाइक द फैबल्स ऑफ द प्रोफेट्स। हम इसे प्रोफेट्स यानी कि गॉड के मैसेंजर की उन फैबल्स यानी कि कहानियों की तरह समझते थे जो वो हमें कभी सुनाया करती थी। She had always been short and fat and slightly bent. मेरी ग्रैंडमदर हमेशा से ही एक छोटी मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई एक महिला थी। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनका चेहरा रिंकल्स के उस जाल से भरा पड़ा था जो कि हर जगह से हर जगह तक फैली हुई थी। No, we were certain she had always been as we had known her. नहीं, हम बिल्कुल certain थे, निश्चित थे
कि वो हमेशा से वैसी ही रही है जैसा हम उन्हें जानते थे. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. वो इतनी बूढ़ी थी, इतनी ज्यादा बूढ़ी थी कि उससे ज्यादा वो बूढ़ी नहीं हो पाती. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. और पिछले 20 सालों से वो अपनी इसी उम्र में रह रही थी, यानी सेम उम्र में ही रह रही थी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी. वो कभी भी सुंदर नहीं हो पाती. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. लेकिन वो बहुत ब्यूटिफुल थी. शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. She hobbled. Hobbled ka matlab bachcho hota hai walked lamely, langdaate hue chalna. Meri grandmother langdaate hue chalti thi ghar ke andar apni spotless yani ki dhabbe rahit us white dress mein. With one hand resting on her waist, जब उसका एक हाथ उसकी कमर के ऊपर रखा रहता, to balance her stoop. Stoop का मतलब बच्चों होता है बैंड, मुड़ा, झुकना जो होता है शरीर का झुकाव. तो ये हाथ उसकी कमर पे इस झुकाव को बैलेंस रखने के लिए ही वो रखती थी. And the other telling the beads of her rosary. Rosary, I hope आपने देखी होगी, कुछ ऐसी एक जप माला होती है, बूढ़े बड़े लोग इसे प्रेयर के लिए यूज करते हैं. तो एक हाथ उसकी वेस्ट पर रखा होता था और दूसरे हाथ में रोजरी, और रोजरी में जो बीड्स हैं, जो मनके हैं, जो मनिए हैं, वो उनको काउंटिंग करती रहती थी. Her silver locks were scattered untidily. Grandmother की जो silver जुल्फें थी वो scattered थी, यानी कि बिखरी रहती थी untidily. Untidily का मतलब बच्चों होता है disorder, यानी कि perfect order से नहीं थी. वो बहुत बुरे तरीके से इधर उधर बिखरी रहती थी. Over her pale, यहां पे पेल येलो फेस की बात हम कर रहे हैं, तो येलो फेस जो है ग्रैंड मदर का, उसके ऊपर बिखरी रहती थी. और वो बिखरी रहती थी पकड़. पकड़ का मतलब बच्चों होता है रिंकल. तो जो उनका झुरियोंदार जो चेहरा है उसके ऊपर उसके बाल बिखरे रहते थे. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. और उनके जो होठ हैं, ग्रैंड मदर के जो होठ हैं, वो लगातार मूवमेंट करते रहते थे, क्योंकि वो हमेशा प्रेयर गाती रहती थी जो कि इनऑडिबल थी, यानी कि बहुत ही मध्यम टोन में वो प्रेयर्स गाती रहती थी. यस शी वॉज ब्यूटिफुल. हाँ, वो सच में बहुत खूबसूरत. She was like the winter landscape in the mountains. Poet ne yahan pe apni grandmother ko compare kiya hai winter landscape se. Landscape ka matlab ek natural scene. Aur kis season ka baat ki gayi hai, to winter season mein jo mountain ke andar ek khoobsurat jo nazara hota hai, grandmother ek us nazare ki tarah thi. An expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. देखिए इस फ्रेज का मतलब है कि जैसे उस माउंटेन्स के अंदर विंटर सीजन में एक खूबसूरत नजारा होता है और वहां पर एक सेरेनिटी. सेरेनिटी का मतलब यहां पर है कामनेस, शांति. एक शांति जो कैसी होती है, बिल्कुल प्योर. और यहां पर वाइट जो यूज किया गया है ये ग्रैंड मदर की ड्रेस से लिया गया है,
और उसके बालों के कलर से लिया गया है। तो यानी कि ग्रैंड मदर जब घर में चलती थी इधर से उधर, तो एक प्योर वाइट कामनेस का एक्सपीरियंस घर वालों को होता था, ब्रीदिंग पीस, जिनसे हमें शांति एंड कंटेंटमेंट यानी कि संतोष हमें मिलता था। माय ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी ग्रैंड मदर और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। जब मेरे पेरेंट्स शहर में रहने लग गए थे तो उन्होंने मुझे, मेरी ग्रैंड मदर के साथ मुझे गांव में ही अकेला छोड़ दिया। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, तब से हम दोनों लगातार साथ ही रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह मेरी ग्रैंड मदर मुझे उठाती थी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बाथ एंड ड्रेस मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हर्ट। जब सुबह ग्रैंड मदर मुझे नहलाती थी और मुझे तैयार करती थी, ड्रेस पहनाती थी, तो वो मॉर्निंग प्रेयर्स गाया करती थी बहुत ही मोनोटोनस और एक डल तरीके से, इस उम्मीद से कि शायद मैं उन प्रेयर्स को सुनूंगा और मुझे वो दिल से याद हो जाएंगे। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं उनको सुनता था क्योंकि मुझे मेरी ग्रैंड मदर की आवाज बहुत अच्छी लगती थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। लेकिन कभी उन प्रेयर्स को याद रखने के बारे में मैंने कोई प्रयत्न या कोशिश नहीं की। देन शी वुड फेच माय वुडन स्लेट व्हिच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक। इसके बाद ग्रैंड मदर मुझे मेरे वुडन स्लेट लाकर देती थी। वुडन स्लेट जो आप देख सकते हैं इस फोटो में, ये एक तरीके से राइटिंग मटेरियल की तरह था, जहां पर बच्चे इनके ऊपर अल्फाबेट्स लिखा करते थे। तो वो मुझे तैयार करने के बाद मेरी वुडन स्लेट लेकर आती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसको उन्होंने ऑलरेडी वॉश कर दिया है, इसको धो दिया है इन्होंने, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक। और येलो चौक, यहाँ पे येलो चौक मुल्तानी मिट्टी होती है, जिससे ग्रैंड मदर ने उसे ऑलरेडी प्लास्टर्ड कर दिया है, उस पे उन्होंने उसको पेस्ट कर दिया है। इस वुडन स्लेट के बाद वो और क्या चीजें लेकर आती थी, तो वो लेकर आती थी ए टीनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटा सा मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट, जिसे हम कहते हैं शाही की दवात, एंड ए रेड पैन, और इसके अलावा वो एक रेड पैन लेकर आती थी। टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी, इन सब चीजों को एक बंडल में टाई करने के बाद वो मुझे उनको दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती with a little butter and sugar spread on it, we went to school. मोटी और बासी रोटी जिसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा होता और सुगर उसके ऊपर फैलाई हुई होती, इसके ब्रेकफास्ट के बाद हम स्कूल जाते थे। She carried several stale chapatis with her for the village dogs. अपने साथ वो काफी सारी बासी रोटियां भी लेके जाती थी गांव के जो डॉग्स हैं उनके लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि स्कूल
मंदिर से जुड़ा हुआ था. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर्स. उस मंदिर का जो पुजारी था वो हमें भाषा के वर्ण सिखाता था और मॉर्निंग प्रेयर्स यानी कि सुबह गाए जाने वाली प्रार्थनाएं भी वो हमें सिखाता था, पढ़ाता था. While children sat in rows on either side of veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जब स्कूल में बच्चे वेरांडा के दोनों साइड में बैठकर कतारों में अल्फाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर्स को एक सुर में जब गाते थे तो उस दौरान मेरी ग्रैंडमदर मंदिर के अंदर बैठी रहती और धार्मिक जो किताबें हैं उनको पढ़ती रहती थी. When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों अपना अपना काम कर लेते तो उसके बाद हम दोनों वापस इकट्ठे घर आते थे. This time, the village dogs would meet us at the temple door. उस समय गांव के वो कुत्ते हमें अक्सर मंदिर के गेट के बाहर मिलते थे. They followed us to our house, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. Growling का मतलब बच्चों होता है making angry sounds. ये सभी डॉग्स हमारा पीछा करते हमारे घर तक. इस दौरान वो गुर्राते रहते और एक दूसरे से लड़ते रहते उन चपाती के लिए जो हमने उन्हें फेंकी थी. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे पेरेंट्स शहर में अच्छे तरीके से सेटल हो गए तो उन्होंने हमें भी शहर में बुला लिया. And that was a turning point in our relationship. ये हमारे रिश्ते में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव था. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हालांकि हम एक ही कमरा शेयर करते थे, एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी ग्रैंडमदर अब मेरे साथ स्कूल में नहीं आती थी. I used to go to English school in a motor bus. मैं उस समय एक मोटर बस में बैठकर एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था और वहां जाता था. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the country yard of our city house. No, we were certain. No, we were certain. जैसे जैसे साल गुजरते रहे हमारी मुलाकातें भी कम होती गई. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ समय के लिए मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे सुबह उठाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा. When I came back, she would ask me what the teacher has taught me. जब मैं स्कूल से घर आता तो मेरी ग्रैंडमदर मुझसे पूछती थी कि तुम्हारे टीचर ने तुमको क्या पढ़ाया. I would tell her English words and little things of Western science and learning. मैं ग्रैंडमदर को वो कुछ इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बताता जो हमें क्लास में बताए गए थे और वेस्टर्न साइंस और लर्निंग के बारे में भी मैं उनको कुछ चीजें बताता था. जिस तरीके से द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा. तो ये कुछ चीजें जो हमें क्लास में पढ़ाई जाती मैं अपनी ग्रैंडमदर को बताता. दिस मेड हर अनहैप्पी. और इन सबको सुनकर मेरी ग्रैंडमदर बहुत दुखी हो गई थी. शी कुड नॉट हेल्प मी
विद माई लेसन्स, वो मेरे लेसन्स में मेरी मदद नहीं कर पाती. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल. और इंग्लिश स्कूल में जो भी चीजें पढ़ाई जाती उन चीजों के ऊपर मेरी ग्रैंड मदर को बिल्कुल भी कोई विश्वास नहीं था, यानी उसको फेथ नहीं था. एंड शी वॉज डिस्ट्रस्ट दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड्स एंड द स्क्रिप्चर्स. और वो इस बात से भी बहुत दुखी थी कि स्कूल में भगवान और धार्मिक किताबों के बारे में किसी भी तरीके की कोई भी टीचिंग नहीं करवाई जाती. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स. एक दिन की बात है कि मैंने उनको स्कूल से आके ये बताया कि हमें स्कूल के अंदर संगीत के अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं, यानी म्यूजिक पढ़ाया जा रहा है. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब. ये सुनकर तो ग्रैंड मदर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, परेशान हो गई. टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस. ल्यूड का मतलब बच्चों होता है वल्गर, यानी ग्रैंड मदर के हिसाब से म्यूजिक का संबंध अश्लीलता यानी कि वल्गैरिटी से है. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लेट्स एंड बैगर्स and not meant for gentle folk. उनके हिसाब से म्यूजिक एक monopoly है. monopoly का मतलब होता है absolute right. यानी कि म्यूजिक के ऊपर सिर्फ harlots यानी कि prostitutes और beggars यानी कि भिखारी, ये दो तरीके के लोग ही म्यूजिक को सुन सकते हैं. not meant for gentle folk. और अच्छे लोगों के लिए म्यूजिक नहीं है. सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीट डिसअप्रूवल. मेरी इस बात को सुनकर कि हमें क्लास में म्यूजिक पढ़ाया जा रहा है, मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा. लेकिन उनकी ये जो चुप्पी थी, इससे मुझे ये समझ में आ गया कि ग्रैंड मदर मेरी बात से सहमत नहीं है या उस म्यूजिक की स्टडी से सहमत नहीं है. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. इसके बाद वो मुझसे बहुत ही कम बातचीत करती थी. व्हेन आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माय ओन. जब मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया तो मुझे वहां पर मेरा एक प्राइवेट कमरा दिया गया. ये फोटो जो आप देख रहे हैं, ये लाहौर का गवर्नमेंट कॉलेज है जहां से खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रेजुएशन. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. यूनिवर्सिटी में जाने के बाद हमारे बीच का एक जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, वो भी स्नैप्ड हो गया. स्नैप से यहां पे मतलब है ब्रोकन, टूट गया. किस कॉमन लिंक की बात यहां पे हो रही है? तो ये बात हो रही है उस रूम की, सिटी हाउस के उस रूम की जहां पर मैं और मेरी ग्रैंड मदर रहते थे. लेकिन जब अब मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया और मुझे वहीं पर ही रहना पड़ेगा, तो हमारे बीच जो एक कॉमन लिंक था उस फ्रेंडशिप का, ये भी टूट गया. My grandmother accepted her seclusion with resignation. मेरी ग्रैंडमदर ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, इस सेक्लूजन को, इस अकेलेपन को उसने एक्सेप्ट कर लिया विद रेजिग्नेशन, यानी कि उसने लगभग हर चीज से ही इस्तीफा दे दिया, यानी अब वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहती. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. किसी से भी बात करने के लिए वो बहुत मुश्किल से ही अपना चरखा यानी कि spinning wheel को छोड़ती थी. From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. सुबह से लेके शाम तक
वो अपने उस घूमते हुए व्हील के पास, पहिए के पास, उस चरखे के पास बैठी रहती और पूरे दिन प्रार्थनाएं गाती रहती, भजन गाती रहती। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. सिर्फ दोपहर के बाद कुछ समय के लिए वो अपने आप को रिलैक्स करती और उस दौरान भी वो उन चिड़ियाओं को दाना डालती थी। While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. जब दादी माँ वेरांडा में बैठती और जब वो ब्रेड को काफी सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती तो कई सौ के करीब छोटे बर्ड्स वहां इकट्ठा हो जाते उसके चारों तरफ, तो ये एक वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिर्पिंग्स बन जाता। वेरिटेबल का मतलब होता है ट्रूली, सच्चाई में। बेडलम का मतलब बच्चों होता है लुनेटिक असाइलम, यानी कि पागलखाना। और चिर्पिंग्स आप जानते हैं ये बर्ड्स की चहचहट के लिए उसके अंदर, तो यानी जब बहुत सारे बर्ड्स वहां जमा हो जाते और वो जब चहचाते तो ये सीन हकीकत में एक पागलखाने जैसा होता, जहां पे आपको बहुत सारी चिर्पिंग्स की साउंड सुनाई दे रही। Some came and perched on her legs. कुछ छोटे बर्ड्स होते जो उनके पैरों के ऊपर आके बैठ जाते थे। Others on her shoulders. कुछ उनके कंधों पर आके बैठ जाते। Some even sat on her head. कुछ ऐसे भी बर्ड्स थे जो कि उसके सर पर भी बैठ जाते। She smiled. But never sued them away. वो हंसती थी लेकिन उन्होंने कभी भी उन बर्ड्स को भगाया नहीं वहां से। It used to be the happiest half hour of the day for her. ये आधा घंटा उसके पूरे दिन का सबसे खुशहाल समय होता। When I decided to go abroad for further studies, और जब मैंने ये decide किया कि further studies के लिए मुझे विदेश जाना चाहिए, और आपको मैं बता दूं कि खुशवंत सिंह जहां पे गए थे पढ़ने के लिए, it was King's College London, London का एक बड़ा famous college है जिसे कहा जाता है King's College. जब किंग्स कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया और उन्होंने वहां जाने का फैसला किया, तो आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तो खुशवंत सिंह को पता था, बिल्कुल वो श्योर थे इस बात को लेकर कि जब ग्रैंड मदर को इस बात का पता चलेगा तो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years. मैं करीब 5 साल दादी मां से दूर रहूंगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और दादी मां की जो उम्र है उस उम्र में ऐसी किसी चीज को आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी मां ने इस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, जब उसको बताया गया तो दादी मां बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. मुझे छोड़ने के लिए, इनफैक्ट मेरी दादी मां मुझे रेलवे स्टेशन पर भी आई थी, ना ही उन्होंने मुझसे उस समय बात की और ना ही किसी तरीके के इमोशन को उन्होंने मुझे दिखाया। Her lips moved in prayer. उनके होंठ अभी भी भजन गा रहे थे। Her mind
वॉज मोस्ट इन प्रेयर, और उनका जो दिमाग था वो अभी भी प्रेयर में ही खोया हुआ था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो उंगलियां हैं वो अभी भी रोजरी के उन बीड्स को काउंट कर रही थी. साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, बिल्कुल चुप होकर दादी माँ ने मेरे माथे को चूमा. एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहां से गया, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट, मैंने मेरे माथे के ऊपर एक मोस्ट नम इम्प्रिंट, एक नम निशान मैंने फील किया. एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, जो निशान मुझे लगा कि शायद ये हमारे फिजिकल कॉन्टेक्ट का आखिरी निशान हो सकता है. यानी यहां पर खुशवंत सिंह को ये फील हुआ कि शायद मैं आज आखिरी बार अपनी ग्रैंड मदर को देख रहा हूं, और 5 साल के बाद शायद जब मैं यहां आऊं तो हो सकता है कि ग्रैंड मदर जिंदा ना हो. बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. 5 साल के बाद मैं अपने घर आया और मेरी मुलाकात वहां मेरी दादी माँ से हुई, ग्रैंड मदर से हुई, स्टेशन पर ही. She did not look a day older. दादी माँ को देखकर ऐसे लगा कि वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं हुई है इस 5 सालों में. She still had no time for words. 5 साल के बाद भी आज भी बातचीत के लिए उनके पास समय नहीं था. And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Clasp means embraced. कि जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा तो मैं उनको वो भजन गाते हुए सुन पाया. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोस, होम शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिवोलस रिमार्क्स. मेरी वापसी के पहले दिन भी दादी माँ का सबसे खुशहाल समय उन चिड़ियाओं के साथ बीता जिनको वो बहुत लंबे समय से दाना डाल रहे थे. एंड विद फ्रिवोलस रिबक्स, फ्रिवोलस रिबक्स का मतलब होता है लाइट हार्टेड स्कोल्डिंग, यानी कि दादी माँ उन स्पैरोज को बड़े लगाव से, बड़े प्यार से उनको डांट भी रही थी. इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम होते होते एक बदलाव दादी माँ में आ गया. शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने शाम को प्रेयर नहीं की, प्रार्थना नहीं की. शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. दादी माँ ने पड़ोस से बहुत सारी महिलाओं को बुलाया और एक पुराना ड्रम लेकर, पुराना ढोलक लेकर संगीत गाना शुरू कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. कई घंटों तक वो सैगिंग से मतलब बच्चों यहां पे है लूज स्किन ऑफ डिलैपिडेटेड का मतलब बच्चों होता है बहुत ही पुराना और बहुत ही बुरी हालत का ड्रम. कई घंटों तक ग्रैंड मदर ने एक पुराने से ढोलक की उस लूज स्किन को वो पीटती रही, बजाती रही. एंड सैंग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और विजेताओं के घर वापसी के दौरान गाए जाने वाले संगीत
उन्होंने गाई। We had to persuade her to stop to avoid overstraining। हम सबको दादी माँ को मनाना पड़ा कि वो रोक दें, ये बहुत ही थका देने वाला काम। That was the first time since I had known her that she did not pray। दादी माँ से जान पहचान के बाद ये पहली दफा था कि उस दिन दादी माँ ने प्रार्थना नहीं की। The next morning she was taken ill। अगली सुबह हमने देखा कि वो बीमार पड़ चुकी थी। It was a mild fever and the doctor told us that it would go। उनको एक हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने भी हमको कहा कि ये ठीक हो जाएगा। But my grandmother thought differently। लेकिन मेरी grandmother यहां एक अलग ही सोच रखती थी। She told us that her end was near। उन्होंने हम सबको बताया कि उनका आखिरी समय नजदीक है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray। She was not going to waste any more time talking to us। क्योंकि ग्रैंडमदर ने अपनी लाइफ के उस आखिरी अध्याय के पूरा हो जाने से कुछ घंटों पहले प्रार्थना करना छोड़ दिया था, उन्होंने हमें उस समय बताया कि अब वो इससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हम सबसे बातचीत के लिए। यानी ग्रैंड मदर ने कहा कि अब वो हमसे बात नहीं करना चाहती, वो आखिरी समय में गॉड को याद करना चाहती है। We protested, हमने बड़ा विद्रोह किया शीज का, but she ignored our protests। लेकिन उन्होंने हमारे इस प्रोटेस्ट को, विद्रोह को इग्नोर कर दिया। She lay peacefully in her bed, praying and telling her beads। दादी माँ अपने बिस्तर पर बहुत ही शांति के साथ लेटी हुई थी, प्रेयर्स गा रही थी, प्रार्थना कर रही थी और उन बीड्स को भी जप रही थी। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers। इससे पहले कि हम कुछ अंदाज लगा पाते, उनके होठों ने हिलना बंद कर दिया और उनकी lifeless fingers यानी निर्जीव उंगलियों से वो रोजरी यानी वो जपमाला नीचे गिर गई। A peaceful pallor spread on her face। एक शांत कर देने वाला पीलापन उनके चेहरे पर छा गया। And we knew that she was dead। और हमें पता चल गया कि वो अब मर चुकी है। We lifted her off the bed। हमने उनको बेड से उठाया। And as is customary, led her on the ground। और जैसा कि रीति रिवाज है, हमने उनको नीचे जमीन पर लेटा दिया। And covered her with a red shroud। और उनको एक लाल रंग के कफन से ढक दिया। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral। कुछ घंटों के विलाप के बाद हमने उनको अकेला छोड़ दिया, क्योंकि हमको दाह संस्कार के लिए आखिरी कुछ प्रबंध करने थे। In the evening, we went to her room with a crude structure। शाम को हम अर्थी के साथ उनके कमरे में गए to take her to be cremated, ताकि उनको दाह संस्कार के लिए ले जाया जा सके। The sun was setting, ये सूर्यास्त का समय था। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light। सूरज डूब रहा था और इसी सूर्य ने दादी माँ के कमरे और वेरांडा को
गोल्डन लाइट के ग्लो से, कि ब्लेस का मतलब है ग्लो, उस स्वर्णिम रोशनी के ग्लो ने दादी मां के कमरे और उस बरामदा को चमका रखा था। We stopped halfway in the courtyard. आंगन में जाने के बाद आधे रास्ते में ही हम रुक गए। All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. इस सेंटेंस को अच्छे से समझने के लिए आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि all over the veranda and in her room, thousands of sparrows sat scattered on the floor. उस वरांडा के चारों तरफ और दादी मां के कमरे के अंदर भी हजारों की संख्या में चिड़ियाएं बैठी हुई थी, फैली हुई थी ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर। किस कमरे में, किस कमरे की बात हो रही है? तो उस कमरे की बात हो रही है वेयर, जहां पर शी ले डेड एंड स्टिफ, जहां पर वो लेटी हुई थी, स्टिफ यानी मोशनलेस एंड डेड यानी कि मरी हुई, जहां पर वो मरी हुई और बिना किसी मूवमेंट के लेटी हुई थी एंड रैप्ड, और जिसको कवर कर दिया गया था, ढक दिया गया था इन द रेड श्राउड, लाल रंग के इस कफन में। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, उन सभी पक्षियों के लिए हमें बहुत बुरा महसूस हो रहा था। एंड माई मदर फैच सम ब्रेड फॉर देम, इसीलिए मेरी मां उन बर्ड्स के लिए रोटी लेकर आई। शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू एंड थ्रू इट टू देम, मेरी मां ने मेरी दादी मां की तरह ही रोटी को कई छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियाओं ने इस रोटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, दे फ्लू अवे क्वाइटली, जब हमने अपनी दादी मां के डेड बॉडी को वहां से उठा के ले गए, तो उसके बाद वो सभी बर्ड्स शांति के साथ वहां से चले गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह सफाई वाले ने ही उन रोटी के टुकड़ों को इकट्ठा करके डस्टबिन में डाला। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। और आखिरी में चलते चलते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस कर लेते हैं। हमने यहां देख ली है कि ये पूरा चैप्टर रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप ऑफ ऑथर विद हर ग्रैंडमदर। तो इस रिलेशन के ऊपर हमने डिटेल से पढ़ लिया है इस पूरे चैप्टर में। अच्छा, इस रिलेशनशिप में तीन फेजेस रहे हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्विकली कि वो तीन फेजेस कौन से हैं। सबसे पहली फेज है विलेज लाइफ के बारे में। हमने विलेज लाइफ में पढ़ा था कि किस तरीके से नरेटर के पेरेंट्स शहर में जा चुके हैं और गांव में सिर्फ दो ही लोग रहते हैं, ग्रैंड मदर और उसकी दादी माँ। ग्रैंड मदर ही उसको स्कूल के लिए तैयार करती है, उसे ब्रेकफास्ट देती है, उसके बाद दोनों स्कूल में जाते हैं। ग्रैंड मदर ही नरेटर की स्टडीज में हेल्प करती है। ये था विलेज लाइफ। सेकेंड फेज है शिफ्टिंग टू सिटी हाउस। हमने देखा था कि किस तरीके से नरेटर के पेरेंट्स वहां पे अच्छे से कंफर्टेबली सेटल हो गए हैं, इसके बाद दोनों वहां माइग्रेट कर रहे हैं और ऑथर ने वहां पर एक इंग्लिश स्कूल ज्वाइन कर लिया है, वो मोटर बस से जाता है स्कूल में। अब ग्रैंड मदर है इस सेकेंड फेज में, वो उनके साथ स्कूल में नहीं जा पाती, ना ही वो लेसन्स में यानी स्टडीज में उनकी हेल्प कर पाती है। वो बड़ी इसी एज में हमने देखा कि वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है जब उसे पता चलता है कि स्कूल में गॉड और रिलीजन के नाम के कोई स्टडी नहीं करवाई जा रही और बच्चों को म्यूजिक पढ़ाया जा रहा है। और तीसरी और आखिरी फेज वो होती है जब नरेटर
यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है और इसी फेज में ही उनके बीच का एक जो कॉमन लिंक है वो भी टूट जाता है, और इसी वजह से नरेटर की ग्रैंडमदर ने किसी से भी किसी भी तरीके की बातचीत करना बंद कर दिया था। आई बिलीव आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको अभी भी कोई डाउट है किसी भी तरीके का, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन बॉक्स में जा सकते हैं और अपनी इंक्वायरी को वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी ही उस चीज का पर्सनली रिप्लाई भी दूंगा। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल। वी विल मीट इन द न्यू वीडियो लेक्चर। बाय देन, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।